तो कैसे हो दोस्तों आप सब। आज मैं करने जा रहा हूँ अर्जाइल मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो कि रिलीज हुई थी 1 फरवरी 2024 की। कास्ट में देख सकते हो, कास्ट में हेनरी केविल है मेन कास्ट में, लेकिन सिर्फ नाम के ही मेन कास्ट में हेनरी केविल हैं। आईएमडीबी रेटिंग है 5.8, 35% मेटा स्कोर है इसका और 33% रोटेन टमेटोज ने इसको स्कोर दिया है। तो ओवरऑल जब मैंने मूवी देखी, एक्शन कॉमेडी मूवी है, एक्शन सीक्वेंस एक दो जगह बहुत अच्छे हैं, बाकी तो नॉर्मल ही है और बाकी मूवी ठीक ठाक है, लाइट हार्टेड है, आप आराम से देख सकते हैं फैमिली के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूवी शुरू होती है दुआ लिपा के सीन से। भाई दुआ लिपा को जैसे देखा, मुझे लगा कि मूवी ताबड़तोड़ होने वाली है। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ही डांस सीक्वेंस है दुआ लिपा के साथ हेनरी केविल का, उसे देख के तो लगा कि आगे मूवी में चांदी ही चांदी होगी। लेकिन यार क्या बताऊँ, डायरेक्टर्स ने आगे काट दिया, एकदम से छोड़ दिया एकदम दुआ लिपा का, बस यही आगे का सीन था कुछ। इसमें मूवी स्टार्ट जो होती है दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होती है। दुआ लिपा बैठी रहती है, हेनरी केविल घुसता है, हेनरी केविल को एज अ स्पाई एजेंट दिखाया गया है और दुआ लिपा यहाँ पर उसके अगेंस्ट दिखाई गई हैं। जैसे ही हेनरी केविल का डांस सिक्वेंस ख़त्म होता है, वो दुआ लिपा को बोलता है कि तुम मेरा सामान दे दो। कौन सा सामान है इसके बारे में बाद में बताऊंगा, सामान दे दो। लेकिन 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 वो वहाँ पर धोखा देती है और उस पर अपने एजेंट्स के साथ गोलियाँ चलाना शुरू करती हैं। वापसी में हेनरी केविल भैया दोबारा गोली चलाते हैं और यहाँ पर छोटी सी एक फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है, जिसमें गोलियाँ चलाते हुए हेनरी केविल भैया गेट खोलकर बाहर निकलते हैं। और जैसे ही वो हॉल का गेट खोल के बाहर निकलते हैं, वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो सीन चल रहा था वो ग्रीस में चल रहा था, यानी कि जो वो फाइट हो रही थी ग्रीस में हो रही थी। और वहाँ पर वो बाहर निकलते हैं और अपनी एक फ्रेंड से जा कर के मिलते हैं, जिसको बाद में दुआ लिपा ने गोली मार देती है। और यहाँ पर हेडफोन पर बात करते हुए दिखाया गया है हेनरी केविल भैया अपने हेडक्वार्टर में, अपने जो उनका हेडक्वार्टर है स्पाई एजेंसी का, वहाँ पर वो फ़ोन पे बात करते हैं कॉम्स में। और यहाँ पर इनको ऑर्डर दिया जाता है कि जाओ उस दुआ लिपा को पकड़ो और उससे वो चीज़ लो जिसके लिए तुम वहाँ गए थे। तो यहाँ पर हेनरी केविल भैया वहाँ से निकलते हैं और एक मस्त चेज सिक्वेंस होता है दोस्तों। हाँ, चेज सिक्वेंस के बारे में ज़रूर बोलूँगा, बहुत ही गजब का चेज सिक्वेंस होता है। वो चेज सिक्वेंस अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं शॉर्ट वीडियो में काट के डाल दूंगा, देख लेना, काफ़ी अच्छा चेज सिक्वेंस होता है, देख के जोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर देख पाओगे थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, ज़्यादा लगाऊंगा तो भाई कॉपीराइट आ जाएगा फटाक से, इसीलिए थोड़ा सा लगाया हुआ है। देख पाओगे यहाँ पर तुम, ये छत के ऊपर से उड़ाते रहते हैं हेनरी केविल भैया की कार है, ये येल्लो वाली जो कि आधी कट गई है, ये छत के ऊपर से चला रहे हैं। दुआ लिपा नीचे से बाइक भगा रही है और उसकी स्पोर्ट्स बाइक है वो। इस फाइट सीन में हेनरी केविल भैया से 5 मिनट आगे चलती है, लेकिन पहाड़ होने के कारण गोल 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 घूमती रहती है और ये भाई साहब छत के ऊपर से गाड़ियाँ कुदा कुदा के उसको पास पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक पास पहुँच जाते हैं, लेकिन फाइट सीक्वेंस के लास्ट में दिखाया जाता है कि वहाँ पर दुआ लिपा हेनरी केविल से बच के निकल जाती है, लेकिन अपना हेनरी केविल देख रहे हैं या छत से गाड़ी कुदा रहा है नीचे, यहाँ बाइक पे दुआ लिपा भाग रही है, यहीं से वो बच कर निकल जाती है। लेकिन अपने जॉन सीना भैया बैठ के वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे होते हैं मस्त से। और सच बताऊँ तो ये जैसे आपने पीस मेकर अगर सीरीज देखी होगी तो उसमें जैसे इनको डिक हेड दिखाया गया है, वैसे ही यहाँ पर ये डिक हेड ही दिख रहे हैं। फाइनली यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं ये, उसके बाद दुआ लिपा को यहाँ से गुजरती है मस्त मालसी बाइक पे गुजरती है। और मस्त बात तो ये है कि स्पीड उसकी होती है 60-70 आई थिंक, स्पोर्ट बाइक रहती है। और यहाँ पर ये चाय कॉफ़ी पीते पीते उसको पीछे से पकड़ करके बाइक चलती बाइक से उठा लेते हैं ये, राइट, ये पैदल होते हैं वो बाइक पे होती है और ये चलती बाइक से इसको पकड़ के टांग लेते हैं। अगर यहाँ पर सीन मिला तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सीन नहीं मिला तो नहीं दिखा रहा हूँ मैं, आगे यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहाँ से सीन कट हो जाता है दोस्तों और दिमाग का माका भुसड़ा हो जाता है। सीन कट हो जाता है, सीन आता है इन मैडम पे। अब इन मैडम का नाम तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन पिक्चर में जो इनका नाम था स्टार्टिंग में एली नाम दिखाया गया है। और यहाँ पर ये एक बुक पब्लिशिंग कर रही थी, यानी कि बुक का जो होता है, क्या कहते हैं, पढ़ के जो बताते हैं,
अब नाम तो एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना नाम, जो बुक पढ़ के बताते हैं। इनकी बुक थी, इन्होंने बुक लिखी थी आर्जाइल पे, जो कि एक जासूसी नॉवेल है। तब हमें समझ में आता है कि जो अभी तक स्टोरी दिखाई गई थी वो स्टोरी रियल नहीं थी, वो स्टोरी इनके बुक की थी। ठीक है, इन्होंने जो नॉवेल लिखी यानी कि बुक लिखी उसकी स्टोरी थी, जो कि यहाँ पे ये रीडिंग करके अपने रीडर्स को सुना रही थी, और यहाँ पर प्रेस मीट रखा हुआ था इस बुक के लॉन्च के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर देती हैं, जो इनके पब्लिशर्स होते हैं उनके जो ऑडियंस होती है उसके आंसर देते हैं। उसके बाद ये अपने घर आ जाती हैं और घर पे इनकी स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनकी एक प्यारी सी बिल्ली है, इस बिल्ली का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, सॉरी छोटा सा रोल रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, और इसके बाद इनके घर की हालत दिखाई जाती है, इकलौती ये औरत हैं, थोड़ी मोटी हैं और ये घर पे रह रही हैं और ये नावल लिख रही है। ठीक है, और इसने 5 बुक लिख रखी है आर्जाइल पर, और दोबारा ये बैठती है अपना नावल लिखने के लिए। और यहाँ पर ये आर्जाइल भैया को जो स्टोरी है ये सुनाती है अपनी मॉम को, उसकी मॉम बोलती है कि लास्ट में जो स्टोरी है उसमें कुछ चेंज करो। तो यहाँ पर पहले तो हेनरी केविल यहाँ से लंदन जाने वाले थे इनकी स्टोरी में, लेकिन यहाँ पर फिर ये चेंज करती है स्टोरी में, और यहाँ पर दिखाती हैं कि हेनरी केविल भैया को रुकना है वहीं पे, स्टोरी को लंबी खींचनी है और इसके साथ चुम्मा चाटी और रात में नाइट स्टैंड करना है, क्योंकि जासूस हैं, ऑफकोर्स हेनरी केविल भैया जासूस हैं और जासूस का यही काम है पिक्चर्स के मुताबिक, हालाँकि होता नहीं है। तो यहाँ पर ये करते हैं, फिर वहाँ पे स्टोरी कट करती है ये, इसके समझ में नहीं आता आगे क्या लिखूँ, तो ये वहाँ से चल देती है। और वहाँ से चलती कहाँ है, बिल्ली को ऐसे पैक करती है बैग में, और यहाँ पे पैक करके ये कहाँ जाती है, ये जाती है भाई साहब ट्रेन में, और ट्रेन में जाती कहाँ है, अपने मम्मी से मिलने। अच्छा, इसकी मम्मी भी बहुत बड़ी वाली है, आगे बताऊँगा उसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेन में जाती है और यहाँ पर इससे आके एक बंदा मिलता है, बहुत चोमू सा छुछुंदुर सा बंदा दिखेगा आपको, लगेगा भिखारी टाइप है। ये भी अवॉइड करती है इसको, क्योंकि इससे पहले एक बंदा आके यहाँ पे इसको मिल चुका होता है जो इसके ऊपर लाइन मारता है, और इसको भी अच्छा लगता है क्योंकि अभी तक इसको किसी लौंडे ने लाइन नहीं मारा, अभी तक सिंगल है ये, हालाँकि एज 45 हो चुकी है असलियत में, लेकिन अभी सिंगल है पिक्चर में ये। ठीक है, तो ये बंदा इससे कुछ बातें करता है, फिर इसको बताता है कि तुम जो जासूसी नावल लिखती हो उससे पंगा हो गया है, कुछ लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं और मैं एक रियल जासूस हूँ, मैं तुम्हें बचाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं फाइट सीक्वेंस शुरू होती है, और कहनी पड़ेगी ये भी फाइट सीक्वेंस जो यहाँ पर ट्रेन में होती है ये भी काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, ये चूतिया है, इसको हेलुसिनेशन होते हैं, लड़की को सॉरी। ठीक है, और इसको यहाँ पर जो स्पाई होता है यानी कि जो भिखारी वाला आदमी होता है उसमें इसको हेनरी केविल दिखता है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इम्प्रेस होती है, बाकी उतना विश्वास तो नहीं करते अमेरिकन्स में। एक बात तो है, इंडियंस में तुम 10 रुपये दे दो और उसको अपने साथ ले जाओगे तो वो चला जाएगा कहीं पे भी, लेकिन हेनरी केविल भैया और हॉलीवुड का ऐसा सीन है कि हॉलीवुड वाले जल्दी विश्वास नहीं करते किसी पर, तो वैसे ही यहाँ पर इस पर विश्वास नहीं करती है और इससे बच के भागने की कोशिश करती है मैडम जी हमारी राइटर प्रिय लेखिका। और यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइट सीक्वेंस चल रहा होता है, काफ़ी अच्छा फाइट सीक्वेंस होता है, और यहाँ पे वो उससे भागने के लिए दूसरे डायरेक्शन में भागती है, और यहाँ पे वो मना कर रहा होता है, नहीं मत भागो आगे जाओगे तो गांड फटेगी, लेकिन लड़की तो लड़की है भाई, तुम जो बोलोगे उसका उल्टा ही करेगी, वहाँ से भागती है। और फाइनली पैराशूट के माध्यम से यहाँ से हीरो उसको लेकर के निकल आता है और उसको लेके जाता है अपने अड्डे पे बोलो या होटल में बोलो, अब अड्डा तो अड्डा ही है, होटल तो होटल ही, और वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करता है कि क्या चल क्या रहा है। दोस्तों वो बताता है कि एक्चुअली तुम जो नॉवेल लिख रही हो वो एक्चुअल में हो रहा है, रियल लाइफ में जो एजेंसी है वो गद्दार हो गई है, वो गलत काम कर रही है, गलत लोगों का साथ दे रही है, और जो तुम लिख रही हो वो बिल्कुल 100% सही हो रहा है, इसीलिए एजेंसी के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं ताकि तुमसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करवा सकें कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बताता है कि वो एक रियल एजेंट है और उसने एक मास्टर फाइल चुराई थी, जो हमारे एजेंसी में जो गद्दार हैं जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों की लिस्ट थी, और वो लिस्ट जो दूसरा एजेंट है उसने कहीं गायब कर दी है, और तुमको मुझे वही ढूंढ के देनी है, मैं भी तुम्हारे पास इसी ले आया हूँ। तो इससे वो स्टोरी याद करने के लिए बोलता है और वो स्टोरी आगे लिखती है, तो उसने वो बताती है कि वहाँ से जो आर्गाइल है वो लंदन जाने वाला था, तो यहाँ पे ये चार्टर फ्लाइट लेते हैं भाई साहब पहला और सीधे पहुँच जाते हैं लंदन।
अब लंदन में यहाँ पर देख सकते हैं, लंदन का स्टार्ट होता है सीन यहाँ से, और लंदन में ये जहाँ पे जाते हैं एक स्टैचू के पास, ठीक है। स्टैचू के पास जाने के बाद जो कैमरा होता है, एजेंसी वाले हैक करके कैमरा देख लेते हैं कि ये लंदन में है, यहाँ पर है, और वहाँ पे अपने एजेंट भेजते हैं। और उसके बाद जिससे ये फाइल हैक करवाई थी उसके पास जाती है, और वहाँ पे भी उसके एजेंट आ जाते हैं। भाई बहुत बहादुर एजेंट हैं, हर जगह आ जाते हैं। वहाँ से फिर इन दोनों को भागना पड़ता है, थोड़ा सा सामान मिलता है, कैश वगैरह लेते हैं यहाँ से, क्योंकि जो हैकर रहता है भाई, हैकर के पास पैसा बहुत होता है। वहाँ से कैश लेते हैं, कैश लेके भागते हैं, और यहाँ पे एक मैट पे कूदना होता है, तो सबसे पहले उठा के इसकी बिल्ली को फेंक देता है। लेकिन बिल्ली के बारे में एक बात बताऊँ, बिल्ली का सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, सॉरी सिक्स सेंस नहीं, उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत अच्छा था। कितने भी ऊपर से फेंकोगे तो उसे तो कुछ नहीं होगा। और ये गधा जासूस बिल्ली से टेस्ट करवाता है कि नीचे मैट है या नहीं है। फिर यहाँ पर रियल में दिखाया जाता है, जब ये वहाँ से भाग के एक होटल में आते हैं, तो वो बाथरूम में घुस के बात कर रहा होता है जो रियल स्पाई होता है, और उसको वो कहते हुए सुन लेती है भाई कि इस लड़की को मार देना चाहिए, एकदम पागल लड़की है। तो वहाँ से वो लड़की फिर भाग जाती है, हमारी राइटर मैडम फिर उसको छुड़ा के भाग जाती है और पहुँच जाती है शिकागो। शिकागो में वो पहुँचती है अपने मम्मी पापा के पास, और उसके मम्मी पापा जब उसके पास पहुँचती है, वो उनको बताती है कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया है दोस्तों, ठीक है, ऐसा ऐसा मैटर हो गया है, जो जासूस मेरी रक्षा कर रहा था वो मुझे मारने के लिए उतारू हो गया है, और जो मैं नावल लिख रही थी उसका फ्यूचर एकदम सही हो रहा है, इसलिए मेरे पीछे एजेंसी वाले लग गए हैं। ये अपने मम्मी पापा को यहाँ पे बताती है और सीधे पहुँच जाती है अपने मम्मी पापा के घर, ठीक है। और यहाँ पर ये जैसे देख सकते हैं यहाँ पहुँचती है, यहाँ उनको समझा रही है कि देखो मेरे साथ दिमाग का ऐसा का तैसा हो गया है, अब मुझे बचाओ तुम लोग। तो मम्मी पापा जैसे इसको बचाने लगते हैं, तब तक वहाँ पे अपना जो एजेंट है वो पहुँच जाता है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों। वहाँ पे पता चलता है कि जो इसके मम्मी पापा हैं वो रियल लाइफ में मम्मी पापा नहीं हैं, वो भी एक जासूस हैं, और इसके माँ का आग करने के लिए इसके साथ रह रहे थे, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो वहाँ पे इसकी मम्मी को एक गोली मारता है हीरो जो स्पाई होता है, और इसको लेकर के कार में बचते बचाते वहाँ से निकल जाता है। तब जाके इसको हीरो के ऊपर थोड़ा विश्वास होता है कि हाँ ये मेरे को बचाने के लिए आया है, जो स्पाई है ये मुझे बचा रहा है, और बाकी सब मुझे मारने के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये फाइनली इसको बोल्वो की कार में बैठा के, भाई बोल्वो की कार क्या मस्त लगती है, उसमें बैठा कर इसको लेके जाता है अपने मेन हेडक्वार्टर पे, जिसका बॉस रहता है हमारा प्यारा निक फ्यूरी एवेंजर वाला। अब यहाँ पे भी ये हेड बना हुआ है, और ये CIA का हेड बना हुआ है यहाँ पे, और कसम से बोल रहा हूँ पहली बार हॉलीवुड मूवी में ऐसा CIA का हेड देखा है मैंने, जो कि एकदम मस्त मौला इंसान है, ठीक है, जिसको कुछ नहीं पड़ी है, बस इसको अपना काम से मतलब है और मज़े काटता रहता है, दिन भर बैठ के फीफा देखता रहता है। तो यहाँ पर ये इसको लेके जाता है अंदर हेडक्वार्टर के अंदर, सॉरी जुकाम की भी आवाज़ आ जाएगी तुम लोगों को यार, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है। यहाँ पे लेके जाएगा ये इसको हेडक्वार्टर के अंदर, इसको याद दिलाएगा देखो तुम्हारा ऐसा का तैसा, तुम्हारी ऐसी ID थी, तुम भी एक एजेंट थी, तुम गधी नहीं हो, तुम चूतिया नहीं हो, जबकि राइटर में उसको दिखाया गया है कि एकदम गधी औरत है, डरती रहती है सबसे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसको यहाँ पर हीरो याद दिलाने की कोशिश करता है, इसको मारता है, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपको बताऊँगा, अगर आपको कोई मारना चाहता है और आपने कुछ एक्शन सीख रखा है तो भले आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में वो रहता है, तो आप वैसा एक्शन कर सकते हैं। तो उसको पता चलता है कि हाँ वो सच में एजेंट है, और यहाँ से उसको लगता है कि जो वो अर्जाइल के बारे में सोचती थी एक्चुअली वो अर्जाइल नहीं, यही थी, ठीक है, यानी कि जो इसने स्टोरी लिखी वो रियल स्टोरी थी, और जो कैरेक्टर अर्जाइल था वो अर्जाइल नहीं, यही थी, इसने खुद के ऊपर स्टोरी लिखी थी जबकि इसके कुछ याद नहीं था, ठीक है। उसके बाद बैठ कर इसको यहाँ पर दिखाया जाता है कि देखो ये लोग हैं, इसको तुमने जो चुराया था डिस्क इसको दिया है, अब इससे जाके तुम्हें वापस लाना है। अब ये जाती है अरब पेंसिलवाला में, अरब मतलब सऊदी अरब, UAE कहीं पे भी, पूरा अरब कंट्री को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसको कि मिडिल ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिडिल ईस्ट में पहुँचती है, एक अननोन लोकेशन पर अरबियन पेंसिलवाला है, इतना तुम समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहुँच के खड़ी होती है, यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह होती है, इनकी ID चेक होती है, और ID कैसे चेक होती है, थोड़ा लेटेस्ट मॉडल है, न्यू अपग्रेड है, तो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अंदर पहुँचते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर फिर से एक बार म्यूजिक बजता है, और ये म्यूजिक पे बोलती है मुझे नाचना नहीं आता, क्योंकि इसको अभी तक पूरी याददाश्त वापस नहीं आई होती है,
लेकिन हीरो बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे कमर में मैं जब हाथ डालूँगा तुम्हें ऑलरेडी नाचना आ जाएगा। तो वहाँ पर उसका डांस सीक्वेंस होता है एक मस्त सा, और डांस सीक्वेंस ख़त्म होकर चुम्मा चाटी करने जैसे ही जाते हैं वहाँ पर सऊदी अरब वाले आके एक गार्ड रोक देता है, बोलता है यहाँ पर ये खुले में अलाउ नहीं है, कमरे के अंदर जाके करना। तो कमरे के अंदर तो नहीं जाती है फिलहाल, उसको जो जिससे मिलने आई होती है वो लड़की उसको अंदर बुलाती है, और यहाँ पर देख पाओगे ये लड़की भी मस्त होती है यार। जो मेन एजेंट थी उस कोई जगह इनको ले लेती, दुआ लिपा को ले लेती, लेकिन नहीं, उसी को लेना था उन्हें। पूरा मूवी का मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो गया, क्योंकि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई एजेंट जो है मोटी भी हो सकती है। फिर वहाँ से उसने सामान लेने के बाद उसको पता चलता है कि उसने भी उसको धोखा दे दिया है, और उसकी माँ अपने एजेंट के साथ इसी होटल में आ जाती है, इसके सामने खड़ी हो जाती है और बताती है कि जहाँ पर तुमने मुझे गोली मारी थी वहाँ पर मैंने ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी थी। और इसका पिता भी ज़िंदा रहता है, इसका पिता भी इसकी माँ इनको बेहोश करके इसके मेन हेडक्वार्टर जो कि दूसरी एजेंसी होती है वहाँ पर ले जाती है, और इसका पिता बताता है कि तुम हमारे साथ थी, तुम भी एक गद्दार थी, और हमने तुम्हें ये काम दिया था कि तुम वो फाइल ला के हमें दो। और जो मेन दूसरा स्पाई होता है वो भी बेहोश होता है, उसको वहाँ पर बंदी बनाया होता है। तो इसको बोलती है कि मैं इससे सच निकलवाऊँगी कि जो इसका बॉस है वो कहाँ पर है। ये उन्हें खुद नहीं बताती कि मुझे भी पता है बॉस कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बोलती है मैं इससे निकलवाऊँगी सच कि बॉस कहाँ पर है। अब भाई बॉस कहाँ पर है, ये तो स्पाई है भाई पक्का वाला, ये नहीं बताने वाला। तो इसको गोली मार देती है ये हीरोइन, लेकिन गोली ऐसी जगह मारती है जहाँ से वो ज़िंदा रहता है, ठीक है। अब भाई हीरो हीरोइन है तो ऐसा तो है ना कि तुम परमानेंटली हीरो को मार दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करती है, ये सबको यहाँ पर मारती है जो इसका फादर होता है, मदर होता है, क्योंकि इसको पूरी याददाश्त यहाँ पर वापस आ चुकी होती है, और ये समझ जाती है कि ये भी जो गलत लोग हैं उनसे बगावत करने वाली थी। तो यहाँ पे हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक मस्त सा फाइट सीक्वेंस सीन होता है। अब ये फाइट सीक्वेंस जो है, ये फाइट सीक्वेंस कम और होली और डांस का कॉम्बिनेशन ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके फ्लैश ग्रेनेड होते हैं, स्मोक ग्रेनेड होते हैं, उनसे होली के कलर निकलते हैं, पीछे बढ़िया डांस वाला म्यूजिक बजता है, और ये दोनों मस्त डांस करते हुए गोलियाँ चलाते हैं। अब यार हीरो हीरोइन हैं तो एक भी गोली तो इन्हें लगेगी नहीं, भले आगे पीछे से 50 गुंडे आ जाएँ, 50 गोलियाँ चलाएँ, लेकिन इन्हें नहीं लगने वाली। ये मस्त नाचते नाचते सबको वहाँ पर पेल देते हैं। उसके बाद दूसरी जगह पर सीन घुसता है, भागते भागते ये इस जगह पर आते हैं जहाँ गोलियाँ चलाने की वजह से जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, वो फर्श पे बिखर जाता है, और यहाँ पर जो गुंडे होते हैं वो भी फिसल फिसल के गिर रहे होते हैं। तभी मैडम जी को याद आता है कि भाई मुझे तो स्केटिंग भी बहुत मस्त आती है, और यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ा फाइट सिक्वेंस होता है, पूरी मूवी की जान है ये फाइट सिक्वेंस दोस्तों। हालांकि मोटी है अपनी हीरोइन, थोड़ी चबी है, लेकिन यहाँ पर जो फाइट सिक्वेंस होता है स्केटिंग करके जो वो करती है, भाई मैंने तो मूवी 1.5x पे देखी थी, तो अगर वो स्लो भी होगा तो मुझे तो बहुत गजब का लगा था, क्योंकि बहुत तेज़ चल रहा था मेरी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर फाइट सीक्वेंस होता है दोस्तों, देखते हैं इसका पूरा दुपट्टा उड़ता हुआ, सॉरी दुपट्टा बोल वन पीस है, उड़ता हुआ रहता है, और यहाँ पर ये सबको पेल देती है एक ही बार में। और पता है स्केटिंग किस पे करती है, चाकू पे स्केटिंग करती है। और वहाँ से पेलने के बाद ये जब ऊपर आते हैं छत पे, तो इनको पता चलता है कि ये एक पूरी की पूरी शिप पे है, और यहाँ से ये ऊपर आते हैं, और वहाँ पे ये सैटेलाइट के थ्रू जो मेन डाटा रहता है जिसको चुराया होता है वो अपने बॉस को भेजती है। लेकिन 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 यहाँ पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इसकी मॉम ऊपर आती है और वो कुछ कोड बोलती है और एक खिलौना चालू करती है जिससे इसका दिमाग रीसेट हो जाता है, और ये वापस ही दोबारा हीरो को ही मारने लगती है। अब हीरो तो हीरो है, हीरो को प्यार है हीरोइन से, तो वो वापस हाथ तो उठाएगा नहीं। तो यहाँ पर वो बोल देता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें याद आ जाएगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लड़ा लहसुन, और इसको काफ़ी पेलती है, और लास्ट टाइम पे वो रुक जाती है जैसा कि एक्चुअली पिक्चर में होता है, और वहाँ पे हीरो हीरोइन बच जाते हैं। इसकी मॉम को दिखाया नहीं गया है जो इसका माइंड रीसेट करती है, उसका नहीं दिखाया गया कि आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद ये मेन हीरोइन आ जाती है, और यहाँ पर पता चलता है कि जो गोली मारने का आइडिया रहता है दिल से दो इंच नीचे, वो इसी ने दिया रहता है, ताकि वहाँ पर मारने के बाद भी आदमी बच जाता है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो शिप है उसको उड़ा देते हैं बम से, और शिप अब छोटी सी नाव पे या बोट पे या फिर स्टीम बोट पे बोल सकते हैं ये बैठ के निकल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा जो बड़ा वाला शिप है इन्होंने उड़ा दिया है, और तेली रहता है तो यार छोटा सा भी बम लगाओगे तो उड़ ही जाएगा, चलो कुछ तो लॉजिक वाली बात है। तो कुल मिला के पिक्चर में ना भाई माँ चोट देगी दिमाग की, ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बस है लाइट हार्टेड है, देखोगे तो मज़ा आएगा।
अब यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में हिंदी के विल और भाई अपने जॉन सीना को दिखाया जाता है। इसमें जो हिंदी के विल है वो लड़की है, जॉन सीना जो है वो अपना स्पाई वाला हीरो है। ठीक है, तो मूवी अच्छी थी, एक्टिंग भी डिसेंट थी। हिंदी के विल की थोड़ी सी यहाँ पर ओवर एक्टिंग दिखाई गई है, लेकिन उसका कैरेक्टर ही वैसा लिखा गया है कि उसको ओवर एक्टिंग करनी पड़ी। अब यहाँ पर भाई लास्ट में जो है आपके पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जिसमें किंग्स मैन का एक छोटा सा विला दिखाया जाता है, जिसमें जो एजाइल है, ये जो लौंडा है, ये बाद में चल के एजाइल बनेगा, ये आता है यहाँ पर। और जो किंग्स मैन की शॉप होती है, इसको किसी ने बताया होता है कि मुझे गन चाहिए, तो मतलब यहाँ गन मिलती है, तो ये आता है यहाँ पर गन लेने। और यहाँ पे ये अपना पूरा नाम बताता है कि मेरा नाम एजाइल है और मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है दोस्तों, और यहाँ पर एक नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर थीम दे दिया गया है, यानी कि शायद जो नेक्स्ट पार्ट आए उसमें हमें मेन कैरेक्टर में अपना हेनरी केविल भाई दिखे, क्योंकि यहाँ पर तो उसको एज ए स्टोरी दिखाया गया है उसके नॉवल के थ्रू, वो भी बहुत कम दिखाया गया है। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि हेनरी केविल भी असली है, असली कैरेक्टर है असली लाइफ का, तो यहाँ से इसके लिए नेक्स्ट मूवी का प्लॉट यहाँ पर रख दिया गया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट आती है कि नहीं। खैर यही वाली पार्ट ज़्यादा नहीं चली है, तो नेक्स्ट पार्ट पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन देखते हैं। अगर आ गए तो बढ़िया है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और दोस्तों ये पहला वीडियो है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसी मूवी का, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करो, मत करना है मत करो, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जैसे इन मूवी वालों ने किया है। तो अगर चैनल पसंद आए तो करो लाइक, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।